हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की सूखी चटनी। ये जो लहसुन की सूखी चटनी है, ये हम घर पे काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने लिया है लहसुन, ये मैंने 1.5 कली लहसुन की ले ली है। ये मैंने लिया है थोड़ा धनिया, ये पुदीना पाउडर। ये पुदीना को सुखा के उसका पाउडर बनाया गया है। अगर आपके पास गीला पुदीना है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया है जीरा, ये लाल मिर्च और ये धनिया। तो आइए अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार लेंगे हमारा, इसमें हम डाल देंगे हमारा ये लहसुन। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून जीरा, अराउंड 1 टेबल स्पून हमारा सूखा पुदीना पाउडर। इसमें ये डाल देंगे हम हमारा धनिया, इसे हम पीस लेते हैं। ये हम फ्रेंड्स में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे ये अच्छे से पिस जाए। ढक्कन बंद कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पिस गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी लाल मिर्ची। ये लाल मिर्ची हम अराउंड 2 टेबल स्पून डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सूखा धनिया। अब इसे वापस से हम पीस लेते हैं। इसमें और डाल रहे हैं, ये टोटल मैंने 4 टेबल स्पून लाल मिर्ची इसमें डाली है। अब हम इसमें हमारा सॉल्ट भी डाल देते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी चटनी पिसकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है, एकदम सूखी चुकी चटनी है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसमें हम लगाएंगे हमारे घी का छोक। तो फ्रेंड्स, अब हम चटनी में छोक लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं ये घी डाल दूंगी। आप चाहें तो तेल का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। घी गरम होने देंगे। ये हमारा घी गरम चुका है, हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें। और अब हम डाल देंगे हमारी जो चटनी जो हमने पीसी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। थोड़ी सी पका लेंगे इसे, अच्छे से मिला लेते हैं इसे। पक चुकी है हमारी चटनी। देखिए बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है ये। गैस बंद कर देते हैं, अच्छे से हिला लेते हैं। आप इसे प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके अराउंड 1 मंथ तक इसे खा सकते हैं। सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारी ये रेसिपी ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।